आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके मोबाइल में आपको ऐप लॉक सेटिंग नहीं मिल रहा है तो आप इसे कैसे इनेबल करेंगे, यानी कि आपने मोबाइल फोन में ऐप को लॉक करना चाहते हैं और यहां पर आप सर्च बार पर क्लिक करते हैं ऐप लॉक और आपके सामने ऐप लॉक सेटिंग आपके मोबाइल फोन में नहीं मिल रहा है तो आप इसे कैसे सर्च करेंगे या आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप अपने मोबाइल में किसी भी ऐप को लॉक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी के साथ बताया हुआ है कि आखिरकार ऐप लॉक सेटिंग को कैसे आप सर्च करें और कैसे आपके मोबाइल में ये आएगी सेटिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे फोन में कहीं पर भी ऐप लॉक सेटिंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अगर आपके मोबाइल में ऐप लॉक सेटिंग नहीं दिया गया है तो आपको अपने मोबाइल में एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा और आपके मोबाइल में वो आ जाएगा। तो बस अपने मोबाइल में एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे फिर आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा वर्टिकल और एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल, तो आप जो भी सेट करना चाहते हैं वो आप सेट लीजिए। सेट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने रो और कॉलम आ जाएगा। अब आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा सेट योर होम स्क्रीन ट्रांजैक्शन, यानी कि अपना ट्रांजैक्शन आप सेट कर सकते हैं कि आपके होम स्क्रीन पर किस तरीके से ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो हम यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इसके बटन ऊपर आपको दिखाई देगा, आप इसके बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको स्किप पर क्लिक करना होगा और यह एप्लीकेशन ऐसे तरीके से आपका ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको दिखाई देगा वेल डन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन होम स्क्रीन का, तो यहां पर आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह एप्लीकेशन आपका अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। यहां पर आपको ट्राई अगेन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसको आपको डिफॉल्ट पर सेट कर देना होगा। जैसे आप डिफॉल्ट पर सेट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज दिखाई देगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अब आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके मोबाइल में लॉक स्क्रीन का सेटिंग है या नहीं है। इसके लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एपेक्स सेटिंग, या आपको अपने होम स्क्रीन पर कहीं पर भी लॉन्ग प्रेस करना होगा। यहां पर मिलेगा आपको ऐप लॉक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऐप लॉक सेटिंग। अगर आपको यहां पर ना मिले तो आपको मिलेगा हिडन ऐप्स और एक सेटिंग, अब आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या आपको एपेक्स सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक विकल्प मिलेगा ऐप लॉक का, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहां कहां पर लॉक लगाना चाहते हैं, किस किस एप्लीकेशन में, यहां पर आपको सेट करना होगा। तो हम यहाँ पर अभी सारे एप्लीकेशन से लॉक हटा देते हैं और प्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर व्हाट्सएप पर लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोटेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना लॉक सेट कर लेना होगा कि कौन सा लॉक आप लगाना चाहते हैं, फिर आप अपना लॉक कन्फर्म कर देंगे और यहाँ पर मिलेगा कन्फर्म बटन, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, इसे आपको ग्रांट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन जो मांग रहा है उसे आपको अलाउ करना होगा, कन्फर्म करना होगा। अब आपके यहाँ पर WhatsApp पर लॉक सेट हो चुका है जैसा कि आप पे देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप और भी किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हैं तो यहां पर मिलेगा क्रोम ब्राउजर, अगर आप क्रोम पर लगाना चाहते हैं गैलरी पर तो गैलरी मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे आपके गैलरी में लॉक यहां पर लग जाएगा जैसा कि आप पे देख पा रहे होंगे। अगर आपने ब्राउजर में तो आप ब्राउजर पर क्लिक कर देंगे, आपके ब्राउजर में लॉक लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। अब आप यहां से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद यहां से बैक आ जाइए और आराम से आप अपना मोबाइल फोन यूज करिए, कोई भी आपको परेशानी यहां पर नहीं होगी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप जब भी अपना WhatsApp ओपन करेंगे तो उस पर आपका लॉक लगा हुआ आपको मिलेगा। तो हम यहां से WhatsApp को ओपन करेंगे और WhatsApp पर यहां पर लॉक लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब यहां पर अपना लॉक डाल दीजिए इस तरीके से। जैसे आप यहां पर अपना लॉक डाल देंगे आपका WhatsApp यहां पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके मोबाइल में ऐप लॉक सेटिंग नहीं है तो अपने मोबाइल में ऐप को लॉक कर सकते हैं और ऐप लॉक सेटिंग आपको इस तरीके से मिल जाएगा। बस आपको अपने होम स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करना होगा और ऐप लॉक मिल जाएगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं ऐप लॉक सेटिंग को या अपने किसी भी एप्लीकेशन से लॉक को, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और अपना लॉक डाल देंगे। जिससे आप लॉक हटाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके उस एप्लीकेशन से आपका
लॉक हट जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉक लगा सकते हैं और लॉक हटा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपके मोबाइल में यह अच्छे से काम नहीं करता है तो आप इस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद सीख गए होंगे, जान गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।